और कैमरामैन इधर दिखाइए लोग को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नोकचिम व्लॉग्स। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आज हम लोग बहुत ही फेमस परशुराम कुंड में जाएंगे। नाउ वी आर इन तेजू, तो अभी पेट्रोल डाल रहा है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगे। तो गाइस, आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए आज का वीडियो यहाँ से शुरू करते हैं। ये तेजू का क्लॉक टावर है, यहाँ में एकदम सेंटर में मिलेगा, गाइस आप देख सकते हैं। सो गाइस, अभी आपको दिखाते हैं परशुराम कुंड जाने का रास्ता। इतना अच्छा व्यूज, इतना बढ़िया व्यूज गाइस आप देख सकते हैं। हम लोग परशुराम कुंड पहुंचने वाला है। 49.5 किलोमीटर दूर है तेजू से, तो अभी हम लोग पहुंच ही जाएगा। रास्ता भी इस तरह से है गाइस, आप देख सकते हैं। वाह, व्यूज तो एकदम मस्त है गाइस, आप भी कभी दिन विजिट कीजिए। फाइनली अभी हम लोग पहुंचने वाला हूँ। ये है ब्रिज। ओह गॉड, वो है ना परशुराम कुंड। ये है व्यूज गाइस, आप लोग माइंड फ्रेश करने के लिए इधर आ सकता है। यहाँ के बहुत माइंड फ्रेश हुआ है गाइस, आप भी आ सकते हैं इधर, कभी दिन विजिट कीजिए माइंड फ्रेश करने के लिए। और बहुत अच्छा है इधर, देखिए। और कैमरामैन इधर दिखाइए लोग को, इतना मस्त है। और इधर परशुराम कुंड वहाँ है, वहाँ आप देख सकते हैं मंदिर, इधर में भी देख सकते हैं, जगह एकदम बढ़िया है। कभी दिन विजिट कीजिए, रास्ता तो एकदम बढ़िया है। आप जब चाहे, जब फ्री है तब विजिट कीजिए गाइस। गाड़ी यहाँ पार्किंग करेंगे ना। ये है परशुराम कुंड, पहुंच गया परशुराम कुंड। चलिए चलते हैं, आ जाइए परशुराम कुंड पार्टी, आ जाइए। कैसे है? बजा दो, ये क्या चीज है, बजाने का चीज है? संग, वाह। और आप बजाओ। अरे बजता है कि नहीं? इसका सुर थोड़ा नहीं, ये थोड़ा अच्छा होगा, छोटा है ये, देखो कितना बजता है। वाह, चल बच्चे मार कितना बोला इसका? कितना बोला? 1500 बता रहे, 1500 इसके छोटा वाला, 750 ले जाइए इसका। हो गया, कान खराब कर देगा आप लोग। और ये भगवान जी के सामने बजाता है ना, वही है ना? माला चाहिए? फिलहाल तो कुछ नहीं चाहिए। माला देख सकते हैं, चलिए हम लोग देखते हैं माला, क्या क्या माला है। भैया जी कैसे? ठीक है ना?
इस पवित्र स्थान के बारे में कुछ बता सकते हो? भगवान परशुराम जी का तपो स्थल है, भगवान का तपो स्थल है, तपोभूमि है। भगवान परशुराम जी का यहाँ पाप मुक्ति हुआ था, इसीलिए जो भी प्राणी आते हैं उनका पाप मुक्ति हो जाते हैं, इसीलिए भगवान का स्थान का सर्वोपरि माना गया है। धन धन्य जो भी आपका मनोकामना लेकर आइए, भगवान का आस्था करके जाइएगा, सब मनोकामना पूर्ण हो जाएगा। जी जी, यही है भगवान का और तपोस्थल में सिद्धि योग है। थैंक यू। घर के सुख शांति समृद्धि की कामना कीजिएगा, सब मनोकामना पूर्ण हो जाएगा। थैंक यू बताने के लिए, धन्यवाद। परशुराम जी की तस्वीर है जी। भैया आप ये बता सकिएगा कि ये परशुराम कुंज ना मतलब कब से ऐसा मानना, जो कब से शुरू हुआ? सतयुग। सतयुग, हाँ, युग चार्ठ हुआ, सतयुग त्रेता युग द्वापर युग कलयुग, ये प्रथम चरण सतयुग से सिद्धि है। भगवान आपको सातवा अवतार परशुराम भगवान का अवतार में हुए, उसके बाद रामा अवतार राम जी का अवतार में हुए, आठवा अवतार कृष्ण अवतार हुए। ये जो अवतार जो विष्णु का अवतार है ना, हाँ, विष्णु का 24वां अवतार में ये आपको सातवा अवतार भगवान परशुराम जी लिए थे, ये आपका पालन करके। हाँ, उसका कहानी जो थोड़ा सा पता है हमको भी कि वो जो अपना मतलब पिताजी जो ऑर्डर दिए ना, तो आज्ञा दिए, तो उसका आज्ञा का कारण ही उसका माँ माता जी को मार दिया था ना, तो उसके कारण जो मतलब उसका हाथ में ऐसा कुछ तलवार जो कुल्हाड़ी कुल्हाड़ी जो फंस गया था। हाँ, वो पाप नहीं खंडित हो रहा, वो कुल्हाड़ी नहीं, वहीं से आके तो पैसा किए उनका तब छूट गया ना। ऐसे भारत का हर कोना में तपस्या किए, कहीं भी उनका पाप नहीं खंडित हुआ, यहीं पे आके उनका पाप खंडित हुआ, यही पर्वत महेंद्रगिरी पर्वत पर उनका पाप खंडित हुआ था। यहाँ पे तो मकर संक्रांति में जनवरी महीने में पूरा भीड़ भाड़ होता है, पूरा लाखों लाख का आदमी लोग बाहर बाहर से आता है, फॉरेन देश से भी आता है। हेलो, कैसे धरा रहा है हम लोग को? देखो कितना भरती है, पकड़ के यहाँ में जितना है बच्चा पकड़े, वो पीछे देखो दीवार के पीछे, अरे बच्चा पकड़ के है रे, छोटा सा बच्चा है। ओ गिर गया पागल है, तो बड़ा वो है, तो हम लोग को धराने के लिए आया था वो। आदम खतम क्यूट है, आप लोग क्या के लिए जा रहा है? क्यों जा रहा है? हम लोग माइंड फ्रेश करने जा रहे हैं, माइंड फ्रेश जा रहे हैं आशीर्वाद लेने के लिए। और क्या के लिए जा रहा है? हम लोग इतना दूर से आया था, और भी नीचे जाना पड़ेगा। देखिए गाइस, साहब परशुराम भगवान जी तो यहाँ ना आए था ना, पता नहीं रे कहाँ ना है, यही जगह है। चलिए और भी नीचे चलते हैं, नीचे चलते हैं, नीचे अरे बहुत दूर जाना पड़ेगा, वो नीचे जाता है, पूरा नीचे जाके ही मिलेगा। देखिए तो यहाँ में क्या है, इधर में तो कुछ भी नहीं है क्या? फिर भी चलते हैं, देखते हैं क्या मिलेगा। देख लिया क्या? क्या गाइस, और भी नीचे जाके देखते हैं, इतना ठंडा है, बहुत ठंडा है। ये है मंदिर, कैसा लगा? एसी है यार, फुल एसी है यहाँ पे, नेचुरल एसी, पूरा नेचुरल एसी है। इतना ठंडा है, देखो लेयर को देखो, कितना तकरा है पानी, यहाँ पे कोई जाएगा ना मर जाएगा, मर जाएगा यहाँ से, तो कोई भी नहीं जा पाएगा। देखो कैसा आ रहा है गाइस, आप देखिए इतना बड़ा बड़ा पत्थर, ये ब्रिज। इधर आके कैसे लगा दोस्त आपको? बहुत अच्छा लगा। रात हो जाएगा, चलते हैं हम लोग, टाइम हो गया ना, आ जाओ। गाइस आप देख सकते हैं वहाँ में भी मंदिर है, इधर भी मंदिर है, मंदिर कम से कम बहुत ज़्यादा है, हाँ नहीं बोल सकता है, क्योंकि हम लोग सब जगह में नहीं घूम पाए,
टाइम लेट होने का कारण। तो गाइस जब भी आप यहाँ विजिट करता है तो जब भी आने के लिए कोशिश कीजिए सुबह को। हम लोग जो है 2 बजे एग्जैक्ट तेजू से मूव हुआ था, उसका कारण जो है लेट हो गया इधर आने में, 2 घंटा ऐसे कुछ लगभग 2-3 घंटा ऐसे लग गया। सो गाइस फ्रेंड्स कैसा लगा आज का वीडियो, बहुत ही इंटरेस्टिंग था। तो गाइस आप भी यहाँ कभी दिन विजिट करने के लिए कोशिश कीजिए। आज का वीडियो आई होप आपको पसंद होंगे। तो आज के वीडियो यहाँ एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग के साथ। तब तक लिए आप विश्वास रहिए। जय हिंद।